हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जब भी हमें अटेंडेंस शीट बनानी हो, अब देखिए ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात नहीं कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा छोटा ही सा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आईडी जो है यूनिकली आइडेंटिफाई की गई है, और ये डेट है, फिर यहाँ नेम है, और फिर यहाँ अटेंडेंस में प्रेजेंट या एबसेंट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको केवल प्रेजेंट ही कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है। ठीक है, हम काउंट करके देखेंगे, चाहे आप प्रेजेंट काउंट कर लीजिए, चाहे आप एब्सेंट काउंट कीजिए, दोनों काउंट किया जा सकता है। तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे आ गया, और यहां पर एसक्यूएल नजर आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो पहले तो ये टेबल क्लोज कर दीजिएगा, और हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे काउंट, काउंट फॉर्मूला लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, काउंट फंक्शन लिखेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, किसको काउंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अटेंडेंस स्टेटस को काउंट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए जो हेडिंग में दिया गया है अटेंडेंस स्टेटस, यही हमें लेना है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी लिखिएगा तो बीच में गैप मत दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा है बीच में अंडरस्कोर लगा के, वैसे ही आपको भी लिखना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अटेंडेंस स्टेटस यहाँ पे आपको दे देना है, तो ये दे दिया हमने अटेंडेंस स्टेटस, और अटेंडेंस स्टेटस क्या होनी चाहिए वो आपको देना है। तो यहाँ पर पहले तो इसको क्लोज कर दीजिए, और फिर यहाँ पे क्या करना है, कहां से आएगा अटेंडेंस स्टेटस, तो फ्रॉम टेबल वन, टेबल वन ही तो नाम है, जरा देखिए यहां पर ये नाम क्या है, टेबल वन दिया गया है, तो हमको टेबल वन ही यहां पे लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टेबल वन यहां पे जरूर लिखिएगा, तो ये लिख दिया टेबल वन, आपने जो भी नाम दिया, जैसे मैंने तो टेबल वन दिया है, आपने क्या नाम दिया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये टेबल वन हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर एंटर करके नीचे आ जाइए, चाहे वहीं पर भी लिख सकते हैं, तो यहां पर कंडीशन दे देते हैं वेयर की, वेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहेंगे, अटेंडेंस स्टेटस जो है इज इक्वल टू, हम प्रेजेंट वाला काउंट करना चाहते हैं या एब्सेंट वाला वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं काउंट करना चाहते हैं प्रेजेंट वाला, तो ये प्रेजेंट कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर बहुत आसान हो गया है, देख लीजिए एकदम क्लियर है। ठीक है, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है बताइए, टर्मिनेशन होता है, क्या होता है, टर्मिनेशन। तो यहाँ टर्मिनेशन दे दीजिए, यानी सेमी कॉलन लगा दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। आपकी क्वेरी बनकर के तैयार है, ये काउंट करके आपको दे देगा। तो यहां से चलते हैं, देखते हैं रन करवा करके ये काउंट कर रहा है या नहीं। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन पक्का आता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, और बीसीए में भी पूछा जाता है। तो जो लोग भी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हैं आने वाले इस साल में, तो वो इसको देखें, और जिन लोगों को भी जरूरत है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ 5 आ रहा है। तो किसका ये अटेंडेंस का स्टेटस है, जरा देखिएगा यहाँ पे किसका अटेंडेंस का स्टेटस है। यहाँ पे मैंने फिर दिखाया आपको अटेंडेंस स्टेटस प्रेजेंट, पी माने क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट का स्टेटस है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आया है रन करवाने के बाद, यहाँ पे देख ही सकते हैं 5 आया हुआ है। तो एक बार चेक करते हैं कि 5 है या नहीं है। ठीक है, इसको चेक किया जाए यहाँ से, तो यहाँ पे चलते हैं सीधा, ये आ गए एसक्यूएल पर। ठीक है, ये हमारा क्वेरी था, और यहाँ पे इसको रन करवा दिया है, तो 5 आ रहा है। आप डबल क्लिक करते हैं टेबल पे, तो काउंट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये एट लास्ट 5 हो गया। तो देख सकते हैं 5 ही प्रेजेंट हैं, बाकी एक तो एब्सेंट है, तो एब्सेंट को इसने काउंट ही नहीं किया। तो इस तरीके से अटेंडेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर आपको यही चीज एब्सेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, वो भी बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर जाकर के अटेंडेंस स्टेटस इज इक्वल टू पी किया ना, तो यहाँ ए कर दीजिएगा, खाली खाली ए भर कर दीजिएगा, और ये पुराना जो टेबल ओपन हुआ उसको क्लोज कर दीजिएगा, और यहां से इसको रन करवा दीजिए। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो यहां पर देखिए ये आ रहा है 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।